हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम जा रहे हैं सोलन, क्योंकि मीनाक्षी अपनी न्यू यूनिवर्सिटी में जा रही है। इसकी एडमिशन हमने सोलन करवा दी, हमने करवाई तो इसने इसकी एडमिशन हो चुकी है सोलन में, शुलिनी यूनिवर्सिटी में। और आज फाइनली वो दिन है जब हम घर से जा रहे हैं, मतलब मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ, मैं आ जाऊँगी घर को वापस। तो बस आ चुकी है, अब भागते भागते जाना पड़ेगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोलन, और इतना लंबा सफ़र था ना यार, मतलब 1:30 पे घर से चले थे और यहाँ पहुँचे हम 5:30 बजे। तो फिर ऐसे थक गए थे, और अभी अभी मैंने व्लॉग अपलोड किया, फिर मुझे याद आया कि ओ यार मैं तो व्लॉग भी बना रही थी, तो अभी उसको स्टार्ट करती हूँ। तो हाँ, ये देखो मीनाक्षी, और ये थोड़ा मैं प्रेजेंटेबल लग रही, ठीक है, ये है मुस्कान। जल्दी लग रही हूँ यार, कोई नहीं, मैं वो लगा दूंगी इमोजी। ये मुस्कान है जिसको आप पहले भी मेरे ब्लॉग में मिल चुके होंगे, ये मीनाक्षी की बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाय मम्मा। ये मम्मी जब हम घर से आए थे तो ये रोने लगे थे, और ये भी रो रही थी, ये दोनों रो रहे थे बहुत बहुत ज्यादा। मैं रो रही थी, अब ठीक हुआ? प्याज काटा था अभी तो नहीं रो रही, देखती रही, पीछे भी नहीं मुड़ रही, पर मैं रोई नहीं, मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैं अक्सर मम्मी रोते रहे, फिर मैं आ गई फटाफट भाग भाग के, चलो भाग भाग के बस भी पकड़ी है। यार रेस्ट करती हूँ, बहुत भूख लगी है, तो हमने पिज्जा ऑर्डर किया है, बाकी खाना भी बन चुका है वैसे, तो अभी सो जाती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। कम से कम आधा घंटा हो गया, हमारा पिज्जा नहीं आया अभी तक, बड़ा दुख हो रहा है, इसको तो नींद भी आने लगी है। पर आज हमें सच में ऐसा लग रहा है कि हम बहुत लंबा सफ़र करके आए, जबकि 3 घंटे का सफ़र है वैसे मेरे घर से सोलन का, पर पता नहीं आज कुछ ज़्यादा टाइम लग गया ना, 4.5-5 घंटे तो लगे गए हमें। और यहाँ पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं मुस्कान जी मेरा व्लॉग चला हुआ है इनकी अलग आप कह रहे हो ना, ऐसे बोल रहा कि मैं कहा लगती हूँ उस तरह की, वो तो सुंदर लगी, मैं कहा सुंदर का है मैं सोच रही हूँ कि मैं मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि मैं सबको मेहंदी लगाती हूँ पर मुझे कोई मेहंदी नहीं लगाता, क्योंकि क्योंकि ना ये सब कुछ चूना लगाती है, इसको कोई चूना भी लगा सका तो नहीं, नाइस नाइस। तो यार मुझे चूना लगाने के लिए चूना थोड़ा ज्यादा चाहिए ना, और चूनने वाला भी थोड़ा ज्यादा चूना लगाने वाला होना चाहिए, मतलब जो मेरे लेवल तक पहुंच पाए। तो बात ये है कि उसके जो यही खड़ा रहेगा, यार मेरी बात अगर मेरे को कंप्लीट, तेरी बात तो मैं ही कर देती हूँ। तो मैं आज मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि ये दो आर्टिस्ट है मेरे पास, एक ये है एक ये है, ये दोनों ऐसी मेहंदी लगाते हैं कि ये देख के मतलब लगा सकते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ आज। वैसे मैं किसी से मेहंदी नहीं लगवाती, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे खुद की लगाई हुई मेहंदी पसंद आती है, पर मैं एक हाथ में लगा पाती हूँ, फिर दूसरे में तो लगती नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता फिर दूसरे हैंड में मेहंदी लगाने के लिए। फिर आज मैंने सोचा कि इन दोनों से मेहंदी लगवाऊंगी डिजाइन मैंने इनको बता दिया है, अब देखते तेरे को बस में बताया था, इनको अभी अभी बताया है, सेम डिजाइन बता दिया हम दोनों को, दोनों हाँ, तो दोनों हाथों में सेम मेहंदी लगानी है और बैक साइड में लगानी है, इधर लगानी वहां इधर लगानी, वो हेलो दो की प्लाएंगे हम, मेरे से लेगा तुम पैसे दस, दो इंसान अलग लगाएंगे तो सेम नहीं हो पाएगा ना तुम, तो सेम क्यों नहीं होगी, तुम्हारे को सेम डिजाइन दूंगी, सेम डिजाइन देगी बेटा, अपना अपना तरीका तो लगाना है, थोड़ा 10-20 का 60-70 का ना, 60-70 का 10-20 का फर्क कर सकते हो तुम लोग, फिर हाँ चलो मैं नहीं लेके आता, देर में खड़ी ज्यादा, तो फिर मैं तो अपनी चप्पल भी साथ लेके आई हूँ पता है वो इसके बाल काटने हैं मैंने आज, इसको मैं नया लुक दूंगी, नई यूनिवर्सिटी के लिए नया लुक, ना भाई बटरफ्लाई नहीं, बटरफ्लाई सही बोला, बटरफ्लाई जितने तो बाल, वेयर आर यू गोइंग, डांसिंग डांसिंग
यो यो हमने आपके कपड़े भी सेट कर लिए। जैसे जब अच्छे के ब्लॉग में लिखते तब से मेरे को प्रपोजल आने बंद हो गए। उसको यार अब अपना रूम है यार। क्या मतलब क्या आप अपनी चप्पल लेके आए हो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है गाइस, हम अब जा रहे हैं मेहंदी लाने और अब मुझे मेहंदी लगने की देर स्टार्ट होगी। पैसे लिए वो यार खुले पैसे निकाल। मैं ठीक आ रही हूँ क्या देखो क्या आ रही लाओ यार मैं वो कर देती हूँ ऐसे चलो। तो पता है अभी मैं कर दी थी ऐसे फोन पकड़ थी मैं आ रही हूँ बैक कैमरा से बोला कि देखो और हमने लाइटिंग भी लगा दी हम कितने अच्छे हैं। ये कैमरा मैन मीनाक्षी और नहीं कैमरा मैन मुस्कान और लाइटिंग मैन मीनाक्षी और इलम मीनाक्षी लाइटिंग मैन। चल गज गामिनी वॉक गाइस रुको अच्छा सीधा नहीं कर सकते यूट्यूब पे डालना। हाँ चलो दोबारा दीतंग मैं तो अभी म्यूजिक गा रही थी दीतंग दीतंग वाला। देखो गाइस हम जाएंगे भी कहाँ के बीच से ऊपर तो गाइस ये है हमारी बाट। ये सुनो ये ऊपर कोठा इसका ऐसे कहाँ गए लाइट दिखाओ हमारे यूट्यूबर जी दिख नहीं रहे। हाँ हमारे यूट्यूबर थोड़े काले ना अंदर गाइस रास्ता साफ करते करते जाएंगे अब हम ऐसे ही होते हैं पहाड़ी ठीक है ऐसे चल पड़ते देखो ऐसे ऐसे नीचे दिखाओ जरा थोड़ा ऐसे ऐसे रास्ता अच्छा कोई रास्ता नहीं है बीच बीच में मैं फोन सीधा कर दे रही हूँ। अरे इतने में तुम कहाँ ले आते यार नीचे आपको दिख भी नहीं रहा होना नहीं दिख रहा मेरे को आदत है इस रास्ते नॉर्मल नहीं उत्ते उन्हें क्यों भाई क्योंकि कहा इतना बड़ा बड़ा है ना पूरा इंसान दे सकता है घूमना। ये देखो गाइस सोलह आते ही चेंज आ गया किसकी कर रही है। अरे जो व्लॉग नहीं बनाता वो इंस्टा पे ऐसे करता रहता है यार ऐसा होता है उसे देखा ही नहीं यार एक्टिंग करने को वही रहा मुझे भी नहीं आ रहा यार कैसे बोलता है ऐसे बोल रही अरे यार वाह 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 ऐसा मजा आया कहाँ पे हेलो। तो ये देखो पागल हो चुकी है दोनों लड़कियों को बाकी देखा नहीं यार आपने सच हमने ना कभी नहीं देखा। अरे देख लो तो क्या देखते आप इंस्टाग्राम पे भाई तू इधर अभी अच्छा फ्रेंडशिप करनी मैंने आपसे फ्रेंडशिप करनी वही वाला फ्रेंडशिप करनी मैंने आपसे पता नहीं आ रहा मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा मुझे लगा ऊपर से मुझे कोई देख रहा है। गाइस अब हमारा पिज्जा भी आ चुका है और मेहंदी लाने भी जा रहे हैं दोनों काम एक दिन में दोनों शामिल हो जाएंगे। अंधेरा बहुत ज्यादा है लाइट शाम को लग रही है तो थोड़ी देर में मिलते हैं। ओह यार ये तो बहुत छोटा है इन्होंने बोला कि बहुत बड़ा डॉगी है मम्मी बड़े मेरे को तो बड़ा डर लगता है ऐसे डॉग से यार ये बड़ा खतरनाक लग रहा है इसकी कान वो करते क्या नाम है आपका कौन सी हुआ सॉरी भाई कौन सी ब्रीड है छोटा वो भी बोल सकता भाई बहुत रिस्की है मतलब सोचो स्नेक काट देगा पता भी नहीं चलेगा और फिर बस तभी पता चलेगा जब मर जाएंगे यहाँ स्नेक ने काट दिया था बड़ा खतरनाक है। मेहंदी लगने स्टार्ट होने वाली है मैं तो ऐसे बोल रही हूँ आज मेरी मेहंदी है पर सच में दोनों हाथों में लगवा रही हूँ तो ये दोनों ना सेम डिजाइन देख रहे हैं फिलहाल अपने दोनों के पास सेम फोन इसके बाद उस पे भेज दो इंस्टाग्राम पे भेज दो इसमें क्वालिटी बहुत खराब मेरे को तो मैं तो अंधी हूँ अब पता नहीं मैंने कहाँ सेव किया अभी होगा कि नहीं चलो ढूंढती हूँ क्या आपने सेव टू कलेक्शन। ये हमारे यूट्यूबर जी तो सो चुके हैं इनकी एक हाथ की मेहंदी लग चुकी है शी स्लीपिंग द ब्राइड बट इसने मेहंदी ऐसे लग रही है लग रहा है जैसे और दूसरी भाग जाएगी लग रही है क्या बोल रहे हो आप मीनाक्षी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितनी इसने मेहंदी लगा ली है दोनों हाथों में ये भाग जाएगी कल ऐसे इल्जाम लग रहे हैं इन पे उठो उठो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं आपकी छोटी बहन तुम मेरा ब्लॉग बना रहे यार गाइस देखो ये मेहंदी नदी से अभी तक मुस्कान ने इतनी लगा दी इसकी अभी तक इतनी लगा दी अब रुके एक मिनट मेहंदी आर्टिस्ट फोन चलाते हुए फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी बहन की शादी की मेहंदी ज्यादा इम्पोर्टेंट कल में गई तो और
शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। मैं ये सोच रही हूँ ना कि कल मैं शुरू नहीं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं सोच रही चूड़ा भी पहनूंगी तो थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा, लगे कि अच्छा तो शादी हुई नहीं नई लड़की की, ऐसा ही कुछ सोचते हैं। सो जाती हूँ, ठीक है। मेरी मेहंदी लग चुकी है, ये आप देख सकते हो। अभी दूसरे हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है, आपको पता ही होगा। और खाना आ चुका है, और खाना इतना ज्यादा है कि ये खाना मैं 3 दिनों में खाऊंगी। बहुत ज्यादा है, नहीं हम इसको कम करेंगे। खाना वाना खा लिया है, और यहाँ पे फैशन शो चला है कि शुलिनी यूनिवर्सिटी में क्या क्या पहन के जाया करेगी। मैं आके एक एक कपड़ा ट्राई कर रही है कि ऐसे बन के जाया करूँ कि फिर फंक्शन होगा तो ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं सो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। वैसे मैंने सोचा कि मूवी देखूंगी, पर अभी हालत लग नहीं रही मूवी देखने वाली, और वो मुझे साइनस है तो वो वाला वो कोल्ड भी आ चुका है, तो बहुत ही गंदी हालत है। सो जाते हैं, गुड नाइट। अगर ये ब्लॉग छोटा बना होगा तो इसको मैं कल भी कंटिन्यू करूंगी, अगर ये बड़ा बन गया होगा तो इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो क्या। मीनाक्षी ने बोला था कि मेरा हेयर कट कर दियो अच्छा सा, तो मैं दिखाई नहीं रही तुम दोनों को, तो हेयर कट करने को बोला था। तो हम लोग ना अभी सोच रहे थे कि इसका बढ़िया हेयर कट करेंगे और फिर ये कल एक नए लुक के साथ नई जगह पे जाएगी, पर हम लोग सीजर लाना ही भूल गए यार। क्या बंदी यार तू, क्या हुआ, क्यों लाई तू कैंची लाई? अरे भाई क्या सेवेज बंदी है तू यार। नाइस यार, कहा है कैंची यार, इसकी जुबान ही कैंची है। सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है इसने। क्या देखो, मैं अपनी मेहंदी दिखाती रहूंगी अब आप लोगों को, पर अभी तो दिख ही नहीं रही। वाओ वाओ, ड्रेस पहन रही यार, मेरे को ड्रेस देना मुझको कल पहनने के लिए, मैं कल पहन के जाऊंगी। ठीक है, मैं पहन रही हूँ उसको। नहीं, ड्रेस पहन के मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये मैं नाइट वॉक पे जाती हूँ, डराती हूँ लोगों को। अभी तो शक्ल देख के डर ही सकते। मीनाक्षी बोल रही है कि तू प्रेग्नेंट लेडी लग रही है ये पहन के। मीनाक्षी तो कुछ भी बोलती है, खुद क्या लग रही हूँ मैं इधर। ओ वाओ, बहुत सेक्सी लग रही है यार तू तो। हाँ। और ये देखो, मैं सोच रही हूँ ये पहन के जाती हूँ कल, कैसी लग रही हूँ।